देखो बच्चों, अपन 12th में तरंग प्रकाश की स्टार्ट कर रहे हैं। मैं किरण प्रकाश की को 12th के सिलेबस से अभी जो कल हमारे पास भेजा गया है, मिला है, उसमें हटा दिया है। इसलिए हम डायरेक्ट तरंग प्रकाश की को हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें प्रकाश को हम क्या करते हैं, तरंग के रूप में मानते हैं, ठीक है। और तरंग के रूप में मानने के बाद हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं जिसको हम बोल देते हैं तरंग ग्राहक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक। वेव फ्रंट हमारे पास ऐसा होता डिफाइन होता है किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर के सममित भ्रष्ट इसमें तरंग के कारण माध्यम समस्त कणों का वेग दिशा आदि समान होती हम क्या करते हैं। इसे मानते तो हम प्रकाश को तरंग है, लेकिन कोई भी प्रकाश स्रोत होता है तो उसके चारों ओर हम एक कुछ काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जिसमें कि प्रकाश के समस्त कणों का वेग दिशा आदि एक समान होता है। तो वे सममित पृष्ठ क्या कहलाते हैं। हमारे पास उन सममित पृष्ठों को मैं यहाँ पर तरंगाग्र बोलता हूँ। देखिए तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन हमारे पास हो जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल गोली ग्राहक, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि अगर यदि सोर्स ऑफ लाइट यदि प्रकाश स्रोत बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का है तो तरंगग्राहक तरंग ग्राफ कहलाते हैं। ठीक, जैसे ये मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है,
अब इसमें से अगर मैं बहुत बिंदु आकार का सोर्स लूं तो इसके चारों ओर आप यहाँ पर गोले को बना लेंगे, ठीक। तो ये तरंगाग्र मेरे पास गोली तरंगाग्र कहलाता है, और उससे होता जो तरंगाग्र निकलती हैं या तरंगे निकलती हैं उसके लंबवत, अगर अपन ये इस पृष्ठों के लंबवत अगर लाइन को ड्रा करते हैं तो ये मेरे पास रेखी कहलाते हैं। दूसरे मेरे पास जो होता है वो है लीनियर। बेस फ्रंट यदि प्रकाश जस्ट अ मिनट, इसमें मेरे को आपको लीनियर की जगह 1 मिनट, इसका हिंदी का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ। सेकेंड है मेरे पास, सेकेंड सिलेंड्रिकल कल वेव फ्रंट बेलनाकार तरंग ग्राहक। अकॉर्डिंग ये चलता है यदि प्रकाश स्रोत लीनियर या रैखिक है तो वह सिलेंड्रिकल। हाँ, बेलनाकार तरंग ग्राहक बन करता। देखिए, अगर मेरे पास प्रकाश स्रोत लीनियर है या रेखीय है तो बनने वाला तरंगाग्र क्या कहलाता है? सिलेंड्रिकल कहलाता है। तो ये मान लीजिए एक लीनियर तरंगाग्र है, तो उसके चारों ओर जो हम कल्पना करते हैं वह है एक सिलेंडर की कल्पना हो जाती है। तो ये जो तरंगाग्र इसके चारों ओर ऐसा बनेगा वह है सिलेंड्रिकल या बेलनाकार तरंगाग्र होगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट तरंगाग्र है मेरे पास प्लेन या समतली तरंग ग्राफ। ध्यान रखिएगा, यदि जी प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर खींचा गया तरंगाग्र समतली
रंगाग्र कहलाता, तो याद रखिएगा प्रकाश स्रोत चाहे बिंदु आकार का हो चाहे लीनियर हो, अगर बहुत दूर तक जाता है तो ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि प्रकाश की जो तरंगे या रेखाओं के रूप में अपन इनको कल्पना करते हैं, तो वह इस कंडीशन में ये ऐसा प्लेन सरफेस बनाती है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? अगर प्रकाश स्रोत बहुत दूर है, ठीक, तो प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर खींचा गया तरंगाग्र समतली होता है, तो हम क्या बोलते हैं? समतली तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, इसी में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोहरेंट सोर्सेस, कोहरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक, जैसे आपको मालूम है कि किसी की भी फिंगरप्रिंट एक से नहीं होते, वैसे ही कोई भी दो कला संबंध दो सोर्स ऑफ लाइट हैं, उनकी लाइट की आवृत्ति भी बराबर नहीं होती है। अगर हम ऐसे सोर्स की कल्पना कर लें जिनकी आवृत्ति दिशा आदि समान हो, तो वे कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। यदि प्रकाश के स्रोत जो समान आवृत्ति का प्रकाश पन करते हैं, तो उन्हें कला संबंध स्रोत कहते तो कोई भी प्रकाश स्रोत जो समान आवृत्ति की प्रकाश को उत्पन्न करते हैं कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। दुनिया में कोई भी सोर्स ऐसा नहीं होता है, तो हम करते क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट को इधर ले लिया, मान लीजिए हमने सोर्स ऑफ लाइट, इसके सामने मैं क्या करता हूँ, दो सोर्स या कार्डबोर्ड रख देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड रखा, क्या होगा, ये यहां से, क्योंकि लाइट एक ही स्रोत से आ रही है, इसलिए इनके निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति दिशा सबको समान होगी, तो ये जो सोर्स होते हैं ये कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। की डेफिनेशन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आई है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।